की आर वेरी बिजी, मतलब उनकी अपनी अलहदा अलहदा ये है और नेशनल मेन स्ट्रीम की तरफ। आप मुझे बताइए इंडिया की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई रिप्रेजेंटेशन है यहाँ? बल्कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियंस हैं, इंडियंस मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो ये जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के साथ या तो ताल्लुक रखें या उनके साथ किसी किस्म का वो पीआर जारी रखते हैं और अपने जो उनके मफादात हैं उनका तहफ़ कर दें। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें भी अपनी जगह पर, और बहरहाल इस तूफान बदतमीजी में खुशी की बात यह है इस वक्त मोर देन 300 काउंसलर्स भी हमारे हैं जो जिन्होंने मतलब वो मेन स्ट्रीम के जरिए ही वहाँ तक आए हैं, और अगर ये 7 पार्लियामेंट मेंबर भी आए हैं इतनी आपस में मनाकशी के बाद भी, दिस इज ऑल्सो ए हेल्दी ट्रेंड एंड इट नीड्स टू बी वेलकम। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो मेन स्ट्रीम के अंदर जाने का जो सिलसिला है ये मज़ीद बढ़ना चाहिए। तो शाह साहब ने जो बात की है ये हाईवा के ऊपर भी है, ये प्रूवन हो गया कि स्टीव बेकर को लोगों ने कहा कि हमारा मसला कश्मीर है, अगर आप हमारी कमिटमेंट आपके साथ है हम आपको वोट देंगे, अगर हमारा मसला आप रेज करेंगे। तो उसने उनके साथ वादा किया था कि मैं अगर इलेक्ट हो गया तो डिबेट करूंगा, तो वो डोमिनेट करते हैं हमारे कश्मीरी जो आई वैक में, तो उसने वो प्रॉमिस जो है पूरी की और फॉलो कर रहे हैं उस सिस्टम के साथ जो एम पी को। तो यही एक तरीका है कि जैसे ये कह रहे हैं 70 एम पी हो जाए और हम सिस्टम को फॉलो करें तो तब बात बढ़ती है। हमारा ये मसला होता है एक बार हमने इलेक्ट कर दिया फिर हम ये कहते हैं कि ये सब काम इसी का यही करेगा, तो ये बात नहीं बनती, वो फिर लिप सर्विस देकर हमें चले जाते हैं। राजा अयूब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, स्टीव बेकर ने ये जो फिल्म कल हम दिखाने जा रहे हैं जब उसने देखी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जी, उसने कहा अगर इंटेंसिटी ऑफ जुल्म ये है, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये राय साहब को इनसे वादा किया, कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ जुल्म ये है क्योंकि इंडिपेंडेंट लोगों ने बात की थी जी, 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 मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये डिबेट जो है पार्लियामेंट के अंदर ले जाऊंगा, बिल्कुल, और फिर और वहां से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी उन पर उन्होंने भी किया और इस तरह से फिर ये मटेरियलाइज हुआ और एक डिबेट पहली बार यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और हालांकि उनको उसका फ्रेमवर्क ऑफ डिबेट ये बनाना पड़ा ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया, मगर उसमें दो मसले उस वक्त डिस्कस हुए, श्रीलंका पर एक दो लोगों ने बोला मगर मोस्ट ऑफ दी जो 99% लोग थे उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की। दरअसल हिकमत अमली भी स्ट्रेटजी भी बात होती है और मोटिवेशन, जैसा कि ये बात हुई वहां पर कि मोटिवेशन की इन्होंने बात की, मोटिवेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी बड़े 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 से बड़े काम के लिए अनलेस यू मोटिवेट द पीपल दे आर नॉट गोइंग टू मूव फर्दर। ये जो कल आप फिल्म दिखाएंगे कितनी देर की? 16 मिनट की है। मैं वापस कर रहे हैं डीवीडी की कॉपीज की किसी को प्रेजेंट करने के लिए। डीवीडी की कॉपी एक है मगर हम 59